Good morning students, welcome in your English class. Now today we are going to revise rhyming words. Rhyming words we have completed in the last class. Rhyming words kaun se hain? The words which give the same sound in the last. Last ka jo letter hai uska sound same hona chahiye. अगर कैट है तो कैट एट रैट कैट रैट हैट मैट एट साउंड आ रही है ना पीछे कैट हैट रैट मैट लाइक दिस फैन फैन की साउंड एन साउंड आ रही है फैन की तरह और क्या हो सकता है फैन मैन पैन लाइक दिस दीज आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स सेम साउंड को जैसे hen hen pen n n same sound jet baki aap you will do yourself aap aaj khud karenge Ma'am will not write all these words. Ma'am is going to write only this line and the rhyming word of these words. Now you will write. Aap likhenge khud hi. Okay? Beg. B-E-G. Beg. Den. Sad. Map. Van. I have written these and you will write the rhyming word here. आप खुद इनके आंसर लिखेंगे और मैम को फोटो क्लिक करके भेजेंगे सिर्फ पेरेंट्स कुछ बच्चों का रिस्पांस आ रहा है पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं आज का काम हो गया कल कर लेंगे कल का काम परसों कर लेंगे पर पेरेंट्स प्लीज बी सीरियस टेक इट लाइक अ क्लास इसको क्लास की तरह लीजिए कि जब मैम की वीडियो आ गई इट मीन्स क्लास स्टार्ट हो गई है उसके बाद आपकी ड्यूटी है बच्चों को 1 आवर अगर आप डेली दे देंगे तो आप अपने बच्चों का 1 ईयर बचा लेंगे पर कुछ पेरेंट्स को ऐसे लग रहा है कि कोई बात नहीं कल की कल देखेंगे पर पेरेंट्स प्लीज वो पेरेंट्स भी हैं जो रोज रूटीन में रेगुलरली होमवर्क भेज रहे हैं सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन प्लीज बच्चों को रोज काम करवाने की हैबिट डालिए मैम मैं वीडियो भेज सकती हूँ मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूँ पर काम करवाना इस लॉकडाउन में आपकी जिम्मेवारी है जब तक स्कूल नहीं खुलते आई जस्ट कैन रिक्वेस्ट एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड सेंड योर वर्क डेली डेली बच्चों की क्लिक्स करी हुई फोटो भेजिए प्लीज थैंक यू हैव अ नाइस डे